माहिती आयुक्तांची निवड करण्याची प्रक्रिया ही पारदर्शीच असली पाहिजे. तसेच माहिती अधिकारांतर्गत अपिलात केलेल्या अर्जदारांना केवळ 60 ते 90 दिवसात निर्णय घेण्याचं बंधन माहिती आयुक्तांवर घातलं गेलं पाहिजे अशी मागणी माजी माहिती अधिकार आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केली आहे. सजग नागरिक मंचातर्फे माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांना सजग नागरिक माहिती अधिकार पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी गांधी बोलत होते. मंचाचे विवेक वेलणकर, जुगल राठी, विश्वास सहस्त्रबुद्धे आदी यावेळी उपस्थित होते. गांधी म्हणाले, सरकारी कार्यालयांमध्ये अद्यापही कागदपत्रांचे राज्य असल्याने 30% भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. या कार्यालयातील कामकाज संगणकीकृत झाल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. व्यवस्थात्मक सुधारणा होत नाही तोपर्यंत काही बदलणार नाही. माहिती अधिकार कायदा हा श्रेष्ठ कायदा असला तरी तो सामान्य माणसाला जोपर्यंत वापरता येत नाही आणि सामान्यांना त्यातून फायदा होत नाही तोपर्यंत असा कायदा कितपत टिकेल याबाबत साशंकता आहे. माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती अपूर्ण देण्याचा सध्याचा ट्रेंड आहे. प्रशासन अजूनही माहिती अधिकार कायद्याच्या बाजूने नाही. तसेच आजही 90% सुशिक्षित नागरिक माहिती अधिकार कायद्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. आपण प्रत्येकाने माहिती अधिकार वापरल्यास मोठी क्रांती होईल असंही यावेळी बोलताना गांधी यांनी सांगितलं. सेक्शन 4 की कल्पना ये थी कि सब इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद सिटीजन को मिल जाएगा. जहां बैठे हो वहां पे आपको इंटरनेट के जरिए, दीवारों के जरिए, पेपर्स के जरिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया है भारत में, राग नाम की संस्था ने 20,000 RTI एप्लीकेशंस का सर्वे उन्होंने किया और उनके हिसाब से 50% RTI एप्लीकेशंस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो सेक्शन 4 में खुद ब खुद लोगों को मिलनी चाहिए थी. अब हम ये बात तो करते रहते हैं, कलम चार नागरिक भी बोलते हैं, RTI यूजर भी बोल देते हैं, कमिश्नर्स भी बोल लेते हैं, होता कुछ नहीं है, करीब करीब कुछ नहीं है, मैं होता है बहुत मामूली सा. मगर ये मुमकिन है क्या? मुमकिन है, बहुत सरलता से मुमकिन है. कलम चार में एक जरूरी बात कही गई थी, ये लोगों को प्रॉमिस था कि चीजें कंप्यूटराइज हो जाएंगी, नेटवर्क से जुड़ जाएंगी. आप सोचिए, साधारण नागरिक जब किसी दफ्तर में जाता है और कुछ काम के लिए जाता है तो बहुत सर्वसाधारण कह देते हैं, फाइल ना भेटत, थोड़े पैसे दिए तो फाइल मिल जाती है, थोड़े और पैसे दिए तो रिकॉर्ड गायब हो जाता है, थोड़े और पैसे दिए तो रिकॉर्ड चेंज हो जाता है, और थोड़े पैसे दिए तो मंत्रालय में आग लग जाती है. ये बहुत नॉर्मल है. भ्रष्टाचार का एटलीस्ट 30% से ऊपर इस वजह से होता है, ये पेपर फाइल्स की वजह से. विवेक वेलणकर राठी यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केलं.